नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना मेट्रो के बारे में। पटना मेट्रो की शुरुआत के दिन बहुत ही जल्द नज़दीक आने वाला है, क्योंकि पटना मेट्रो के कार्यों में तेज़ी देखी जा रही है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर 2 पर एलिवेटेड के बाद अब अंडरग्राउंड रूट पर भी तेज़ी से काम शुरू हो गया है। बता दें कि यह एलिवेटेड रूट मलाही पकड़ी से ISBT पर पहले ही करीब आधे से अधिक पिलर तैयार कर लिया गया है। अब इसके अंडरग्राउंड रूट पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस रूट में पटना जंक्शन में फ्रेजर रोड, गांधी मैदान, अशोक राजपथ होते हुए राजेंद्र नगर पर भी घेराबंदी का काम तेजी से किया जा रहा है। आइए अब जान लेते हैं इस रूट में कहां कहां अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होगा। बता दें कि अंडरग्राउंड रूट पर सबसे पहले स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आकाशवाणी, गांधी मैदान, पटना विश्वविद्यालय और मोइनुल हक स्टेडियम के पास खुदाई चल रही है। कहा जा रहा है कि इन स्थानों पर तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद यहां पर भूमिगत स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि इन स्थानों पर पहले मिट्टी जांच का काम पहले ही किया जा चुका है। आपको बता दें कि कॉरिडोर 2 के एलिवेटेड रूट पर बनने वाले स्टेशनों पर करीब 528 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अंडरग्राउंड में बनने वाले स्टेशनों पर करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही जा रही है। बता दें कि इस रूट में कुल 12 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें से 7 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जैसे कि पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH, पटना विश्वविद्यालय, मोइनुल हक स्टेडियम और राजेंद्र नगर। इसके अलावा मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरो माइल और न्यू ISBTC एलिवेटेड होंगे। कहा जा रहा है कि जब अंडरग्राउंड स्टेशनों का कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही इन रूटों पर लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं अगर हम कॉरिडोर 1 की बात करें तो इस रूट पर भी काम शुरू है। इस रूट में पटना जंक्शन से सगुना मोड़ तक एलिवेटेड रूट पर स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस रूट में 14 स्टेशनों का निर्माण होना है, जिसमें दानापुर से पाटलिपुत्र तक के लिए 4 और मीठापुर से खेमनीचक के लिए 4 स्टेशन, यानी कि ये भी एलिवेटेड होंगे। बता दें कि एलिवेटेड स्टेशनों के निर्माण कार्य को लेकर सगुना मोड़ और RPS मोड़ के साथ साथ मीठापुर, रामकृष्णा नगर और जगनपुरा में मिट्टी की जांच के बाद पिलर की ढलाई को लेकर काम चल रहा है। बता दें कि कॉरिडोर 2 की तरफ से कॉरिडोर 1 में भी 6 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जैसे कि रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन शामिल है। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 के तहत होने वाले कार्य में अंडरग्राउंड मेट्रो का कार्य पहले ही करने की बात कही जा रही है। ऐसे में पटना मेडिकल कॉलेज को लेकर पहले यह खबर सामने आई थी कि यहाँ एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड स्टेशन बनेंगे। यहाँ मुख्यतः सड़कों के दोनों तरफ इमारतें एक समस्या बनकर सामने आई थी, लेकिन अब यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने की बात कही जा रही है। पटना मेट्रो को लेकर यह भी बताया गया कि 31 किलोमीटर लंबे पटना मेट्रो रेलवे परियोजना के बन जाने के बाद से पटना में 10 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। बता दें कि यह परियोजना दानापुर से खेमनीचक तक कॉरिडोर 1 के नाम से जानी जाती है, तो वहीं पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल कॉरिडोर 2 के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके पटना में मेट्रो को शुरू किया जा सके, ताकि पटना शहर के अंदर जो जाम की समस्या है, उससे लोगों को निजात मिले। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।